गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, आपको फैक्ट्री ए के फ्रीक्वेंसी दे रखा है नंबर ऑफ बल्ब्स की, और फैक्ट्री बी के नंबर ऑफ बल्ब्स की आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है। डेज में आपको जो है लेंथ इन लाइफ दे रखा है कि ये बल्ब की जो लाइफ है वो 550 डेज से 650 डेज के बीच में, फैक्ट्री ए के जो है 10 बल्ब्स आते हैं, फैक्ट्री बी के 8 बल्ब्स आते हैं। तो इस टाइप से आपको दो फैक्ट्रीज के बीच में कंपेयर आपको दे रखा है कि फैक्ट्री ए का बल्ब जो है कितने दिन चलता है, फैक्ट्री बी का कितने दिन चलता है। अगर उसकी लाइफ इतनी है तो फैक्ट्री ए का बल्ब कितने दिन की लाइफ है, फैक्ट्री बी के कितने बल्ब इसमें आते हैं। तो इस टाइप से आपको डेटा दे रखे हैं और आपको बताना है कि विच फैक्ट्री आर मोर कंसिस्टेंट या विच फैक्ट्री आर मोर वेरिएबिलिटी। तो मैंने आपको बताया था रोहित शर्मा और विराट कोहली के रन्स का मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि जिसका कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा वो मोर वेरिएबिलिटी होगा, और जिसका कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग फैक्ट्री ए का कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेते हैं, फैक्ट्री ए का और फैक्ट्री बी का। उसके बाद उनके बीच में कंपेयर कर देंगे, फैक्ट्री ए का कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेते हैं। फैक्ट्री ए का कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, मैंने आपको फार्मूला बताया था इसका, एस डी अपॉन मीन इंटू 100। याद करिए, बिल्कुल ऐसे ही मैं फैक्ट्री बी का निकालूंगा, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू एस डी अपॉन बार एक्स बार यानी मीन इंटू 100। और फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कंपेयर करेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि किसका कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है या किसका कम है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को हम लोग, 550 इंटू 650, 650 इंटू 750, 750 से 950, 950 से 1050। ये टेबल मैंने लग रहा है बन गई मुझसे, ये टेबल कोई ज़रूरत नहीं है इस टेबल की, मैं यहीं पे ऐसे लिख दूंगा। हाँ, अब एक्स आई क्या होगा, क्लास मार्क दिस प्लस दिस बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा जो है 650, 100, 700, 1200, यानी ये 600 आएगा, ये आपका 700, 800, 900 और 1000। अब हम लोग एक्स आई माइनस ए एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, ये इसको मैं एज्यूम्ड मीन मान ले रहा हूँ, ये मेरा एज्यूम्ड मीन है जिसको मैं कैपिटल ए बोलता हूँ, आपने क्लास 10th में मीन है। तो 600 माइनस 800 माइनस 200 अपॉन क्लास साइज 100 है, तो माइनस 200 तो ये माइनस 2 आ जाएगा, ये आपका माइनस 1 आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये आपका 1 आएगा, ये 2 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 41014। एफ आई क्या है, 10, 22, 52, 20 और 16, और इनका सम क्या आ रहा है, 120 आ रहा है, दोनों का ही जो है आपका 120 है। ये टेबल तो आपको ऊपर शिफ्ट कर लीजिएगा, ये मुझसे एक ज़्यादा बन गया है, मुझसे एक तो ज़्यादा बन गई, ये ऊपर है। अब एफ आई यू आई क्या हो जाएगा, एफ आई यू आई तो -20, ये माइनस का 22, ये आपका 0, ये आपका 20, ये आपका 32। अब एफ आई यू आई स्क्वायर कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 40, ये आपका 22, ये आपका 0, 20, 64। अब सबको ऐड कर लेते हैं, 12 आएगा, 10 आ जाएगा आपका प्लस का, एफ आई यू आई 10 आएगा, और उनको ऐड कर लेते हैं तो आपको कितना आएगा, 46 आएगा। ये इतना हिसाब किताब मैंने फैक्ट्री ए का किया है, अब मैं फैक्ट्री बी का करूंगा,
फैक्ट्री बी की फ्रीक्वेंसी क्या है? 8, 16, 24, 16 और 22। बच्चों ये फ्रीक्वेंसी जो है मैंने गलत लिख रखी थी, 8, 16, 24, 16, 12 था, तो ये आपका आ जाएगा -16, फिर आपका आ जाएगा -16, 24 into 0, 16 into 1 और 24, यहाँ 24 आएगा बच्चा। और यहां पर आपका आएगा 12 into 48 आएगा। एफ आई यू आई स्क्वायर देखिए, 8 4 32 16 into 1, फिर 24 into 0 16 into 1 और 12 into 4, ये आपका आ जाएगा। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, ये आपका -36 और 156 आएगा। अब मेरे पास सारे डेटा कंप्लीट हो चुके हैं, अब मेरा काम है आंसर निकालना। तो पहले तो मेरा काम है फैक्ट्री ए का मीन निकालना। फैक्ट्री ए का मीन कैसे निकलेगा? ए प्लस, ये आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, पहले मैं फैक्ट्री ए का निकाल लेता हूं और फिर मैं फैक्ट्री बी का निकाल लूंगा। फैक्ट्री ए का ए क्या है आपका? 800 है। 800 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या है आपका फैक्ट्री ए का? 10 अपॉन एफ आई, तो पता ही है सिग्मा एफ आई 120 है, इनटू एच क्या है 100, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 100 अपॉन 12, 816.67 आवर्स, ये आपका फैक्ट्री ए का मीन आ गया। अब फैक्ट्री बी का भी निकाल लीजिए मीन, ये क्या होगा 800 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या होगा -36 अपॉन सिग्मा एफ आई 120 अब इनटू एच क्या है 100। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, 770। अब आप क्या काम करिए, फैक्ट्री ए का एस डी निकालिए। तो पहले वेरिएंस निकाल लेते हैं उसके बाद एस डी निकाल लेंगे। फैक्ट्री ए का वेरिएंस निकाल लेते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है बच्चों, और कुछ नहीं करना है। क्लास साइज कितना है आपका यहां पर? 100 है, 100 का स्क्वायर कर दीजिए 10,000। सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर फैक्ट्री ए का 146 अपॉन सिग्मा एफ आई 120 माइनस का सिग्मा एफ आई यू आई क्या है आपका? 10 अपॉन सिग्मा एफ आई 120, ये स्क्वायर कर लीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ऐसे ही फैक्ट्री, ये तो फैक्ट्री ए का है, बिल्कुल ऐसे ही फैक्ट्री बी का निकाल लीजिए। फैक्ट्री बी में क्या होगा? सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर 156 अपॉन 120 माइनस का -36 अपॉन 120, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया इनटू 10,000। ये आपने वेरिएंस निकाल लिया बच्चों। अब आपका जो भी आंसर आएगा अंडर रूट कर देंगे आप लोग। अब आप लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले वेरिएंस निकाल लिया, उसके बाद जो भी ये क्या है एसडी है, वेरिएंस का जो भी आंसर आएगा अंडर रूट कर दीजिएगा, तो आपका फाइनल आंसर एसडी का क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा फैक्ट्री ए का। ऐसे ही फैक्ट्री बी का एसडी का आपका 100 आ जाएगा। अब आप वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूले में पुट करिए, तो फैक्ट्री ए का जो आपका सिग्मा है 109.98 अपॉन आपका 816.67 into 100, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 13.47 आ जाएगा। अब फैक्ट्री बी का निकाल लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अब आप
आपको बताना है कि कौन सी फैक्ट्री के बल्ब जो है ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो भाई देखिए, जिसका कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन आपका कम है तो ये कंसिस्टेंट ज्यादा होंगे, यानी फैक्ट्री ए के जो बल्ब हैं वो मोर कंसिस्टेंट होंगे और फैक्ट्री बी के बल्ब जो होंगे वो मोर वेरिएबिलिटी होंगे, ज्यादा परिवर्तनशील होंगे, उसमें ज्यादा जो है परिवर्तन होगा, लेकिन इसके कंसिस्टेंट होंगे, इसके बल्ब फैक्ट्री ए के सही होंगे। थैंक यू।